हाय दोस्तों, सो आज का टॉपिक आप लोग को दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग 3ds मैक्स में सन लगाते हैं। सन मींस एक रेज, किस तरीके से घर के भीतर आएगा सन का रेज जो हम लोग लगाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ये किस तरीके से हम लोग करते हैं कि सन का रेज जो है विंडो, ये बेसिकली दो तीन जगह से आता है। एक तो हो गया विंडो के थ्रू आ सकता है, या फिर डोर के थ्रू, या कहीं भी ओपन स्पेस है उस जगह से वो रेज आता है। तो आप लोग को ये दिखाना है कि किस तरीके से हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मेरे पास एक मॉडलिंग बना हुआ है, तो इसमें सन को कैसे यूज़ करते हैं इस बैल्कनी से। तो सबसे पहले इसमें कुछ लाइट्स लगा हुआ है रूम के अंदर में, वो सब लाइट में डिलीट कर देता हूँ पहले। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक बार मैं शॉर्टकट लाइट्स ले लेता हूँ, तो सिर्फ लाइट सेलेक्ट होगा और फिर डिलीट। अब इस सीन में कोई भी लाइट्स नहीं है, सिर्फ ये छोड़ के, स्पॉट लाइट छोड़ के जो मटेरियल से बना हुआ, और बाकी इस रूम में कहीं भी लाइट नहीं है। तो दोस्तों इसमें हम लोग किस तरीके से सन का रेज लाएं वो दिखाना है। तो सबसे पहले लाइट्स को बढ़िया डिलीट कर देते हैं। यस, ये सब लाइट्स है, एंड एक लाइट यहाँ पड़ा हुआ है ये, और हमारे पास सीन में और कोई लाइट नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम जाते हैं टॉप व्यू में, ये बैल्कनी, यहाँ से हमारा सन का रेज आना है। तो हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं सन के लिए, हम लोग लेते हैं वीरे में, यूज़ करेंगे वीरे सन। और वीरे से पहले एक और ऑब्जेक्ट था, उसमें स्टैंडर्ड में हम लोग वो यूज़ नहीं करेंगे, जैसे कि फ्री लाइट, डायरेक्ट लाइट, ये सब लाइट्स यूज़ होता है, बट वीरे सबसे बेस्ट है। इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि वीरे लाइट ही यूज़ करें। तो हम लोग यहाँ पे जाके वीरे सन ले लेंगे, एंड हम लोग इसको इस तरीके से ड्रैग करेंगे। अब ये बोल रहा है ओ जी लाइट को ऑटोमेटिकली एड वीरे स्काई एनवायरनमेंट मैप, तो हम लोग यस करेंगे। इसका मतलब हो गया दोस्तों कि हम लोग का जो विंडो का पीछे एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा, ताकि एक स्काई टाइप का फील हो। एंड ये जो सन देख रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया हूँ, ये है लेफ्ट व्यू में, ये रियल लाइफ के जैसे सन यूज़ होता है मैक्स में भी। जिस तरीके से देख लीजिए, ये पूरा एकदम ज़मीन पे है, मतलब कि अभी एकदम मॉर्निंग, मतलब नाइट है। अगर हम लोग ऐसा रेंडर कर देंगे तो हम लोग का जो सीन है वो दिखा देते हैं कि पूरा लगेगा रियल लाइफ के जैसा, कि ये सुबह का चार बज रहा होगा या तीन, इस तरीके से। जिस तरीके से ऐसे 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 जितना बढ़ाएंगे ऊपर, वो उस तरीके से सन का रेज निकलेगा। अगर इतना इतना ऊपर कर देंगे तो समझिए इसमें थोड़ा डीप धूप आएगा, थोड़ा सा हार्ड वाला। तो पहले मैं स्टार्टिंग से दिखाता हूँ एकदम लो करके, ताकि आप समझ पाए कि ये जो सन है, ये रियल लाइफ में जो सन होता है उसकी तरह सेम हूबहू काम करता है। तो मैं इसको रेंडर कर देता हूँ एक बार, पूरा कर लेता हूँ। ये देखो पूरा ब्लैक सीन आ रहा है, कहीं भी लाइट्स नहीं है, एंड ये जो विंडो है ये भी देख पा रहे हैं, सन अभी यहाँ तक रेज नहीं हुआ, मतलब सन अभी नहीं आया है। तो हम लोग यहाँ पे तो समझ पा रहे, तो इसको मैं काट देता हूँ। तो इसको हमें आस्ते से इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, लगभग इतना, मॉर्निंग का 7 या 8 बज रहा होगा, ऐसा आप लोग एज्यूम कर सकते हैं, सोच सकते हैं, बट इसमें फिक्स नहीं है कि 4 बजे या 5 बज रहा है या 6 बज रहा है। तो हम लोग इसको फिर से ग्रेंडर करके दिखाते हैं। देखिए इसका जो धूप आ रहा है वो हल्का सॉफ्टनेस, एक लाइट के जैसे हल्का सा आ रहा है। तो जितना इसको ऊपर करेंगे वो इतना अच्छा से लाइट आएगा इस लिए। इसमें सिर्फ टीवी का लाइट्स यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, एंड इसमें कहीं भी लाइट्स नहीं है, सिर्फ यही एक लाइट है। इसमें काफ़ी टाइम लग सकता है रेंडर में, क्योंकि मेरा जो हो रहा है ये हाई क्वालिटी में रेंडर हो रहा है,
सो मैं क्या करता हूँ, इसको कट करके सिर्फ एक भाग ही इसको यूज़ करता हूँ, इतना तो फटक से हो जाएगा, कोई टाइम नहीं लगेगा। आप समझ ही पाओगे क्या इसमें चेंजेस आए हैं। एंड दोस्तों पहले आप स्टार्ट करिएगा लो कैटेगरी में, क्योंकि अगर आपका रेंडर समय बहुत टाइम लग जाएगा तो आपको बहुत बार रेंडर करने की जरूरत पड़ेगा, इसलिए पहले जो भी प्रीसेट्स लिए हैं सबको लो में ही रेंडर करिएगा, ये मेरा सजेशन है। नहीं तो फिर एक एक रेंडर करने में अगर HD में कर देंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। ये देखिए, अब देखिए उस टाइम इसमें रेज नहीं था, लेकिन अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सन आ गया है, धूप इसका आ गया है, बहुत सुंदर की तरह लग रहा है, ये देख पा रहे हैं। अगर यहाँ पे आप कर्टन्स लगा देते तो और भी अच्छा लगेगा। तो आप समझ गए हैं, इसको मैं काट ही देता हूँ, उसमें टाइम लग जाएगा, निकाल में टाइम, उसका कोई फ़ायदा है नहीं। तो मैं इसको थोड़ा सा और ऊंचा कर देता हूँ, लगभग इतना। एंड दोस्तों इसका कुछ ऑप्शन दिखा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ यूज़ होता है इसके अंदर में, क्या क्या चीज़ काम आता है। तो बेसिकली हम लोग प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं एंड इसमें जो काम होता है, बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं इसका इंटेंसिटी मल्टीप्लायर में यूज़ करते हैं कि कितना ज़्यादा रेज आपको चाहिए कितना। और ये ओजोन है, ओजोन के मतलब कि इसमें बेसिकली 35-40 इतने रखने से आपका सीन में कुछ इफेक्ट नहीं आता, नहीं तो फिर क्या होता है ना, अगर आप इसको थोड़ा कम बेसी कर देते हैं पॉइंट, तो सीन में थोड़ा सा ब्लर्डनेस आ जाएगा और कुछ नहीं होगा। तो आपको मैं एक उसमें दिखाता हूँ, F10 रेंडर सेटअप में IPR में आपको दिखाता हूँ क्या क्या बेसिकली काम होएगा। तो इसको जूम कर लेते हैं एंड दिखाता हूँ। सबसे पहला चीज़ है कि इंटेंसिटी मल्टीप्लायर को जितना बढ़ाएंगे वो उतना लाइट आएगा। मान लीजिए इसको हम लोग डायरेक्ट में कर देंगे तो क्या होगा कि सन नहीं आएगा, बट उसका ओवरेंस मटेरियल्स जैसे बाउंस करते वो लाइट अंदर आएगा, ये देख पा रहे हैं। तो हम लोग क्या रखना, अगर सन को लेना है बेसिकली, तो हम लोग इसको लेंगे फिल्टर में, ये देखिए लाइट आ रहा है लेकिन बाउंस करके, लेकिन सन का जो रियल इंटेंसिटी वो नहीं आ रहा है इस रूम में, फिर हमारा ये अच्छा लगेगा। अगर आप देखेंगे पूरा करके तो इसमें कुछ अलग इफेक्ट निकाल सकते हैं आप अपना क्लाइंट के लिए, ये देखिए एक कूल टाइप का रेंडर आप पा सकते हैं इसमें। एंड इसके बाद आ रहा है ओवरराइड मटेरियल, ये बेसिकली दोनों एक जैसे ही काम करता है, इसमें थोड़ा बहुत फ़र्क है बस, और ज़्यादा नहीं है। तो हम लोग बेसिकली फ्लिट में यूज़ करते हैं फिल्टर में। उसके बाद ये अगर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, सन का जो पावर है वो ज़्यादा डीप में आएगा, जैसे कि थोड़ा सा करते हैं, ये देखिए इतना दिखाते हैं, यहाँ पे इसको देखिए बढ़ाते हैं, ये देखिए काफ़ी डार्क, मतलब कि कड़ा धूप आ रहा है धूम के अंदर में, मतलब लगभग नून वाला 12 बजे या 12:30 एक इतना बजे वाला, 12 बजे लगभग वाला, तो वो थोड़ा सा आ रहा है। लेकिन देखिए इसका सेम, इसमें थोड़ा ब्लर्डनेस आ गया है, इसको हम लोग रेंडर करेंगे इसमें, और हम लोग जो रेंडर कर रहे हैं फ्रेम बफर में कर रहे हैं, तो हम लोग फ्रेम बफर भी रखेंगे, तो फिर रेंडर में करके दिखाते हैं आपको। ये अब मैं एक बार आपको पूरा सीन दिखाता हूँ करके रेंडर की किस तरीके से हुआ, तब आप समझ पाएंगे। और ये दोस्तों ये बहुत ज़्यादा हार्ड का काम नहीं है, बेसिक बहुत मेहनत का काम नहीं है, बस बहुत ईजी से हम लोग इसमें सन लगा सकते हैं। बेसिकली आपको ध्यान देना पड़ेगा सन का जो डायरेक्शन है, कौन तरफ से आ रहा है, एंड जो मटेरियल लगाए हैं विंडो के ऊपर वो भी समझना पड़ेगा, क्योंकि मटेरियल बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ ओपेसिटी कम कर दी है या फिर रिफ्लेक्शन को कम करने से नहीं आएगा रेज, इसके लिए एक अलग मटेरियल बनाना पड़ता है, उसको बोलते हैं इफेक्ट शेडो, वो ऑन नहीं रहेगा तो धूप का रेज जो है वो अंदर की तरफ नहीं आएगा,
लेकिन लाइट बाउंस करते हुए धूप का लगेगा कि रूम जो है वो थोड़ा लाइट आ रहा है, बट वो रियल लाइट नहीं आएगा। तो उसके लिए मटेरियल बहुत ज़रूरी है समझना, तभी सन काम करेगा ठीक तरीके से, नहीं तो फिर क्या होगा, सन अच्छा से नहीं आएगा रूम के अंदर में। तो एक बार आप पूरा देख लीजिए रेंडर। और इसमें दोस्तों कहीं लाइट नहीं है, सिर्फ इसमें स्पॉटलाइट लगा हुआ है, क्योंकि मैंने सारा लाइट को डिलीट कर दिया है, इसलिए आप देख पा रहे हैं इधर थोड़ा सा अंधेरा टाइप का आ रहा है, बट इधर में सामने से इधर धूप आएगा। एंड यहाँ पे देखिए एक डोर है, यहाँ पे भी मैंने ग्लास करके रखा है, यहाँ से भी सन का रेज आ सकता है अगर उस जगह पे होगा तो। ये देखिए आया, एक पूरा रियल जैसा फील होगा अगर आप यूज़ करेंगे तो, बहुत अच्छा आपका रियलिस्टिक सीन आएगा। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों, मैं इसको थोड़ा सा पॉज कर देता हूँ कुछ देर के लिए, एंड फिर फाइनल रेडियो क्लिप में आपको फिर दिखा देता हूँ। हाँ दोस्तों, तब देख पा रहे हैं हमारा लगभग हो ही गया, ये फाइनल स्टेज चल रहा है। तो मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ कि हमारा सीन बहुत ही क्लियर आया है, इसमें कोई डाउट नहीं, एंड बहुत ही सुंदर लग रहा है इस रेस का। तो जस्ट हो जाएगा, बस और एक मिनट लगेगा एंड फाइनल रेंडर कंप्लीट। बेसिकली टाइम लगता है दोस्तों जहाँ पे मटेरियल में ज़्यादा सब डिविज़न हो या जहाँ पे ज़्यादा करके सेगमेंट्स हो, वहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है रेंडरिंग होने में, नहीं तो फिर ये फटाक से हो जाता है। तो हमारे जो ग्लास है इसमें काफ़ी मैंने इसमें मटेरियल लगाए हैं और इसमें बहुत सारा सेगमेंट है, इसलिए इसमें टाइम लग रहा है। एंड बाकी सब जगह फटाफट हो जाएगा इसमें, क्योंकि सेगमेंट्स कम है एंड मटेरियल का जो इम्यूनिटी है वो भी हम इसमें कम दिए हैं, और इसका सब डिविज़न भी हम लोग कम रखे हैं, इसकी वजह से ये ठीक आ रहा है, फटाफट हो जा रहा है। देखिए दोस्तों, अगर किसी को ऑनलाइन क्लास करना है तो मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ मेरा नंबर, आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू टच में आ सकते हो। एंड मैं आपको न्यू रोज प्रोजेक्ट देता रहूँगा, न्यू फाइल्स, ताकि आप इसको प्रैक्टिस कर सको। सो हमारा कोर्स अभी चल रहा है, आप चाहो तो ज्वाइन हो सकते हो ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग टीम व्यूअर से नहीं तो फिर जूम ऐप से हम लोग क्लास देते हैं, तो आपको जिस ऐप से सुविधा होगा हम लोग उस ऐप से देते हैं क्लासेस, उसके लिए कोई डाउट्स नहीं। एंड वीक में एक या दो बार डाउट्स क्लियर भी आता है सबके लिए, तो आप चाहो तो उसके लिए कर सकते हो। और भी ज़्यादा और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें आप व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप में मैसेज करके आप मुझे जानकारी ले सकते हो इसके बारे में। तो ये लगभग हो गया, बस थोड़ा सा बाकी है। ये देखिए मैं जूम भी कर रहा हूँ, फिर भी देखिए कितना क्लियर आ रहा है, देखिए सब हर एक जगह, यहाँ से देखिए धूप का रेज आ रहा है एंड बहुत ही क्लियरिटी में हो रहा है। एंड इसको मैं और भी ज़्यादा, इसको मैं सिर्फ और हाई क्वालिटी में रेंडर किया हूँ, लेकिन HD में करने से और भी ज़्यादा मतलब अच्छा आता। ये देखिए कितना सुंदर से एज आ रहा है, कितना सुंदर से फॉल्स लिंक आया है, मतलब हर एक जगह देखेंगे तो आप कहीं भी मतलब पिछलेट नहीं हुआ, कहीं भी ख़राब नहीं हुआ है, देखिए सब एक जगह बहुत ही खूबसूरत से आया है, ये देखिए। तो दोस्तों हम आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, तो आप प्लीज़ इसको लाइक शेयर करिए। अगर कुछ डाउट्स हुआ इस रिलेटेड तो मुझे आप व्हाट्सएप में टेक्स्ट कर सकते हो।